स्टार प्लस के धमाकेदार सीरियल अनुपमा ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा को टीआरपी लिस्ट में फिर से नंबर वन की लिस्ट में लाने के लिए मेकर्स ने शो में न केवल नए किरदारों की एंट्री करवाई है बल्कि कहानी को नया मोड़ भी दे दिया है। बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि अनुपमा और अनुज छोटी को कैंप में छोड़ने के बाद खुद भी सैर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक कपल मिलता है जिनकी वो दोनों मदद करते हैं। लेकिन रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं खत्म नहीं होते। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा और अनुज डिंपल और निमृत को अपने साथ कार में लेकर आ जाते हैं और उनके साथ एक ढाबे पर रुकते हैं। चारों ढाबे पर खाना खा ही रहे होते हैं कि कुछ लफंडर वहां आ जाते हैं। वो डिंपल की तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं, साथ ही जोर जोर से गाने भी चलाते हैं। उनकी ये हरकतें देखकर अनुज का पारा चढ़ जाता है और वो उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो गुंडे अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते। अनुपमा की बिगड़ैल बेटी अधिक के साथ नंदिनी के घर में शिफ्ट हो जाती है। समर और पारितोष वहाँ उनकी मदद के लिए जाते हैं और देखते हैं कि सारा काम अधिक अकेले कर रहा है और पाखी केवल ड्रामे कर रही है। बात पर समर और तोश उसे ताना भी मारते हैं। वहीं पाखी मन ही मन बड़बड़ाती है कि मैंने शादी काम करने के लिए नहीं बल्कि ऐश करने के लिए की है। मैं पापा की प्रिंसेस हूँ और प्रिंसेस काम नहीं करती। मन से भरपूर अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि डिंपल और अनुपमा बाथरूम से आ रहे होते हैं कि वही गुंडे उन्हें फिर मिल जाते हैं। वो डिंपल के साथ बदतमीजी करता है जिस पर डिंपल उसे जानवर कह देती है। ऐसे में वो शख्स अपना आपा खो देता है और टेम्पल के साथ साथ उसके पति निमृत को भी मानने लगता है। हालांकि अनुज और वहां आकर दोनों की मदद करते हैं, लेकिन गुंडे उन दोनों के सिर पर वार करते हैं और टेम्पल को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं।